Q&A सेशन विद संदीप महेश्वरी एट कोलकाता। ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं खुद कोलकाता का रहने वाला हूँ। संदीप सर की इस वीडियो से मैंने जो जो सीखा उन चीज़ों को शॉर्ट टाइम में याद दिलाने के मकसद से मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी तरफ से रेगुलर मोटिवेशनल पोस्ट पाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। आसान लेसन 1, सक्सेस इज जस्ट अ शैडो ऑफ लव। जहाँ पर सक्सेस है वहाँ पर प्यार है, जहाँ पर प्यार नहीं वहाँ पर सक्सेस भी नहीं। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो बहुत सक्सेसफुल है लेकिन अपने काम से प्यार नहीं करता हो। किसी को भी उठा कर देखे, फिर चाहे वो क्रिकेटर हो, सिंगर हो या कोई बिजनेसमैन, सब में आपको उस काम के लिए बेहद प्यार नजर आएगा, तभी जाके उनको इतनी सक्सेस मिली है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, प्यार को ना पकड़कर लालच को पकड़ते हैं, नेम का, फेम का या पैसों का, जिस वजह से हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जैसे ग्रीड और एंग्जाइटी भर जाते हैं। और उन नेगेटिव इमोशंस के साथ जब हम कोई काम करते हैं वो काम कभी भी लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पाता। एज अ रिजल्ट हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते। हम सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि ये नेम, फेम और मनी सब टेम्पररी है। नामी और बदनामी में सिर्फ एक मिनट का फर्क होता है, ये सब बाहरी है। हमें इन टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागना बंद करके हमारे अंदर की परमानेंट चीज़ों पर फोकस करना होगा, जैसे कि प्यार। किसी काम के लिए अगर आपका प्यार सच्चा है, उसमें कोई लालच नहीं है, तो वह परमानेंट है। और अगर आप ऐसा कोई काम करोगे तो आपको आपके पीछे सक्सेस की परछाई भागती हुई नजर आएगी, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आसान लेसन 2, सॉक्रेट्स ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। सोचो अगर आप अपने दिमाग की सारी पावर, सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर लगा पाओ तो क्या आपको उस काम में सक्सेसफुल होने से कोई रोक सकता है? लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा हजारों चीज़ें चलती रहती है। अब इनमें से कुछ काम की भी होती है, तो इन हजारों चीज़ों को कम करने का सही तरीका क्या है जिससे सिर्फ सही चीज़ें ही हमारे दिमाग में एंट्री ले सके? वो तरीका है सॉक्रेट्स ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। जब भी आप किसी बात को सुनते हो और वो आपके दिमाग में घूमना शुरू करती है तो उसके ऊपर आपको ये फिल्टरिंग टेस्ट लगाना है। पहला फिल्टर है, क्या ये बात सच है? सच मतलब पूरी तरीके से सच। अगर शक है तो वो सच नहीं, क्योंकि शक को कभी भी सच नहीं कहा जा सकता। अब दूसरा फिल्टर है, क्या ये बात अच्छी है? अच्छी है का मतलब क्या इससे पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं या नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं? और तीसरा फिल्टर है, क्या ये मेरे किसी काम की है? मतलब क्या इसको लेकर सोचने से मुझे बेनिफिट होगा या सिर्फ नुकसान ही होगा? अगर वो बात इन तीनों में से किसी एक भी फिल्टर को पास कर जाए तब आपको उसे अपने दिमाग में एंटर करने देना चाहिए। लेकिन अगर एक भी फिल्टर को पास नहीं कर पाए तो उसी वक्त आपको उस पर दिमाग लगाना बंद कर देना चाहिए। क्यों ऐसी फालतू चीज़ पर दिमाग लगाना है जो कि ना सच है, ना अच्छी है और ना आपके किसी काम की है? आसान लेसन 3, यू कैन नेवर चेंज अदर्स। जब तक के ना वो खुद ही खुद को बदलने की कोशिश करे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके खुद के एक्शंस पर है, दूसरों के एक्शंस पर नहीं। तो ऐसे में अगर आपको किसी का काम पसंद ना आए तो बिना उस इंसान को बदलने की कोशिश किए आपको आपके खुद के रिएक्शंस को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो कैसे करोगे? अपने एक्सपेक्टेशंस को बीच में से हटाकर। अगर आप कोई बुरा काम नहीं करते तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई दूसरा भी उस बुरे काम को नहीं करेगा। दूसरे तो करेंगे ही, उनकी मर्जी। आप वहाँ चाहें तो तब भी कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ की तरफ अपने खुद के रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त है जो आपको उल्टे सीधे नामों से बुलाता है। अब आप उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने रिएक्शंस को ज़रूर बदल सकते हो। आप बस इतना सा करोगे तो पूरी की पूरी सिचुएशन ही आपके लिए चेंज हो जाएगी। आसान है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और हमारे एक कीमती व्यूअर बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।